विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बहुत पुराने साथी रहे हैं, कभी स्कूटर पर बैठ करके काम किया है साथ में, कितने साल हुए होंगे। लंबे अरसे तक मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला और इसके कारण भी एक साथी के रूप में उनके साथ काम करता था। मैं जब पार्टी का संगठन देखता था तो वो युवा मोर्चा का काम देखते थे। एक कार्यकर्ता लगातार जो भी उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, अनुभव है, उसको लेकर के चलता रहे, जब जो जिम्मेवारी मिले उसको निभाता रहे और अपने से हो सके उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करे। ये नड्डा जी को हमने भली भांति देखा है। हिमाचल के लोगों को लगता होगा कि आज हिमाचल का एक बेटा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लेकिन जितना हक हिमाचल वालों का है उससे ज्यादा हक बिहार वालों का है, क्योंकि नड्डा जी का पूरा कैरियर, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बिहार में ही हुआ है। वो पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं और इसलिए बिहार के लोग नड्डा जी के लिए ज्यादा गर्व करेंगे और हिमाचल तो ऐसा है कि हिमाचल गर्व कर सकता है। अटल जी भी उन्हीं के थे, नड्डा जी भी उन्हीं के थे। मेरे जीवन का जो अत्यंत ऊर्जावान कालखंड मैं कहूं तो हिमाचली लोगों के बीच में बीता है। मुझे विश्वास है कि जगत प्रकाश जी के नेतृत्व में पार्टी अपने मूलभूत आदर्शों और विचारों को लेकर के आगे तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को जब हम विपक्ष में थे तब जो चुनौतियां थी उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना एक दल के रूप में आने वाले दिनों में हमें करना होगा। चुनावी मैदान को मैं कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता कभी, वो तो आते हैं जाते हैं चलते हैं। देश की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको समर्पित भाव से आगे बढ़ाना और उन सबके सामूहिक पुरुषार्थ में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है और हम इसलिए राजनीति में आए हैं। हम जिन आदर्शों को लेकर के चले हैं, कुछ लोगों को उन आदर्शों के प्रति ही इतराज है। हमारी मुसीबतें इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबतें इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। और इसलिए चुनावी राजनीति में जिन्होंने, जिनको जनता ने नकार दिया है,
जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम मान के चले, हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं वो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का, एक एक सामान्य परिवार के साथ का जो संपर्क है, अटूट नाता है, विश्वास का माहौल है, वही हमारी शक्ति है।